अरे यार, मेरा मन कर रहा है उसको इसे इसे हाथ लगा के आ जाऊं बस। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है सबके? क्या हाल चाल? मैडम, आज हम जा रहे हैं किसी चर्च में, चर्च जो तकरीबन 400 साल पुराना है। उसका नाम है कजान कजान आइकन ऑफ मदर ऑफ लॉर्ड मदर ऑफ लॉर्ड राम कजान के इकोन बोझ मात्र है। और हमें मिला कैसे? जैसे मैं गूगल मैप पे ऊपर रहा था, कुछ बोल रहा था, तो मैंने देखा एक दूर हुई है चर्च। चलो देखूं उसके बारे में हिस्ट्री पढ़ूं, तो पता चला कि भाई 1649 में ये बना था लकड़ी से, और फिर कुछ साल बाद इसको पत्थरों से बना दिया। जैसे हमारे ताजमहल है ना, वैसे पत्थरों से बना दिया, मार्बल नहीं, पत्थर यूज किया। उस टाइम तो पत्थर वगैरह बनाना ऐसा होता था ना कि बहुत मतलब बड़ी बात है। और कहते हैं आज की डेट में भी, मतलब आज भी ये जो चर्च है एक रॉयल पैलेस से कम नहीं है। एक होता ना खतरनाक जो सुंदर बना है उस टाइम के हिसाब से, मतलब आज भी इसका मुकाबला नहीं है। तो और हाँ, और ये चर्च जो है बंद पड़ा है, ये उसी टाइम बंद हो गया था किसी रीज़न से। इसके बारे में मुझे पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, मैंने एक पढ़ी थी भी रास्ते में देखा था। तो उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं अगर कुछ मिले। और ये है कि उसके बारे में मैंने ये सुना कि चर्च जो है बहुत बार बंद हुआ है, बहुत बार खुला है। जैसे 1949 में बना था, एक दूसरे वक्त फिर बंद हो गया किसी वजह से। उस टाइम की कोई क्वीन वगैरह जो थी किस उस चक्कर में, जो पॉलिटिक्स चलती होगी उस टाइम, तो एक तरीके से ये चर्च जो है ना पूरा डिपेंडेंट है। और मेरे हिसाब से इंडियन तो शायद भी वहाँ कोई नहीं गया होगा। तो मुझे लगा चलो एक्सपीरियंस करते हैं एक नया, हमें ये अच्छा लगता है जो कुछ नेचर नेचर से रिलेटेड और जो अबेंडेंट टाइप होता है, जो कम जगह पे दिखने को मिले, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। रशियन हिस्ट्री वगैरह, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से जो है ना असली हम जो कल्चर जो ये सब्जेक्ट घूम सकते हैं, बता सकते हैं जी रशियन कैसे पहले रहते थे, क्या होता था, क्या खाते थे, इन्हीं सब चीज़ों से पता चलता है। और एक बारिश आ रही है सामने, व्यू देखो। वाओ, अमेजिंग, नाइस। तो और हम दूसरी बात ये, हम हमेशा जो है हमारी मेन पसंद ये रहती है कि हम मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें। लोगों से मिलना होता है, लोग बताते हैं जी यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, लेकिन यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आती नहीं है। तो मजबूरी में हमने गाड़ी ली रेंट पे, हमने कहा चलो भाई जाना तो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। आगे भी हम सोच रहे हैं अगर लोकल वहाँ जगह पे जाके अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलती है कहीं, तो गाड़ी हम कहीं छोड़ देंगे और फिर उस पर घूमेंगे। देखते हैं शायद एक दो दिन यहाँ पे स्टे भी कर लें, वहाँ वहाँ पे घर वर मिल जाना चाहिए। एक तरीके से एडवेंचर है ना, हमने देखा है ना, आप लोगों ने देखा है, मिल के देखते हैं, आप लोगों के लिए भी नई चीज़, हमारे लिए भी। कोशिश करेंगे जैसा हमें जो जो फील हो रहा है, जो जो हम देख रहे हैं, वो आप लोगों को भी दिखाएं। स्विट्ज़रलैंड ऐसे सही है, पता है स्विट्ज़रलैंड और खजियार हिमाचल प्रदेश में। अगर भाई लोगों को एक खजियार गया ना चंबा के पास हिमाचल प्रदेश में, सेम ऐसा है वो, उसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोलते हैं। वहाँ के जो पेड़ है सेम ऐसे हैं, पूरी धरती सेम है। किसी भी कोने पे चले जाओ, कहीं शेर निकलते हैं तो कहीं मारो। हमें इसी रोड पे तकरीबन 150 किलोमीटर जाना है, जिंदगी बन गई छोटी सी रोड पे 150 किलोमीटर। आर्मी का ट्रक आ रहा है, रशियन आर्मी जिंदाबाद। हाँ तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हाईवे के बीच में, थोड़ा सा आराम करने के लिए, मलाई लेने के लिए। बस अभी चलेंगे दोबारा से। थोड़ा सा कितना रह गया पुनीत? 50 किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर रह गया। बस अभी थोड़ी देर में निकलते हैं, व्यू देखो, व्यू कितना मस्त है सामने, मस्त।
कितनी शांति है, लोग जा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है बोला, ऐसा लग रहा है कि वो है क्या बोलते हैं, जब वहाँ जाते थे हम दिल्ली से देहरादून, सब रास्ते में ऐसा आया करते थे पहले, आजकल नहीं आता, आजकल सब बिल्डिंग विल्डिंग ही हो गया ना, खातौली में रुकते थे, वैसा लग रहा है सेम। वाह मेरा रशिया। वो देखो ये कोई पुराना सा चर्च बंद पड़ा है पुनीत, देख ऐसे वो बन रखा है ऐसे लाल किला टाइप, नहीं होता देख सामने सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ उसी टाइम की लगी पड़ी हैं। बंद ही हो रखा है मेन गेट इसका। तो भाई लोग हम आ गए इस जगह पे, हमारा मोस्ट एमेंडेंट चर्च, ये देखो कितना पुराना है, इसके गुंबद तक पे पेड़ उग रखे हैं, ऊपर जाके इतने बड़े बड़े इसके किले। हटा, मना कर रहा क्या, हम ऐसे तो घूम ही सकते हैं। तो हम आ गए, अभी जाएंगे देखने А если дальше так вам, по кругу? Дальше вам не попасть, нет. Не, если так по кругу. Только бегом. Быстро, быстро. Да, да, да. Хорошо. अच्छा हमको बोला कि टेरिटरी बंद है, नहीं जा सकते, कुछ अंदर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का, कुछ हो सकता है, कह रहे हैं नहीं जा सकते, हमने बोला जाने दो यार, कह रहे हैं ठीक है थोड़ी देर के लिए चले जाओ। ये देखो मेरे पीछे अबैंडन्ड चर्च, इसके अंदर भी नहीं घुस सकते ना अपने, ऊपर देखो क्राइस्ट का निशान, और ये गेट पुराने जमाने का, मोटा मजबूत ताला, वाव। अंदर जाके क्या है अंदर अगर दिख रहा है तो, नॉर्मल चर्च की तरह है, है देखो क्या बोल रहे तू, देखो ऊपर पेड़ उग रखे हैं इसके गुंबद के ऊपर। ये क्या है सामने पुनीत, चलो भी चलते हैं। कितने पुराना तो कह रहा है तू, 1649, 400 साल, ये देखो ऊपर 400 साल, हाँ देखा मैंने। सबसे बड़ी बात ये कह रहे कि स्टोन का ये, क्योंकि उस टाइम तो स्टोन वगैरह का बनाना बहुत, कहाँ 400 साल पहले ये बना सकता था, आज की डेट में ये सब बनता है। सही बात है, सही बोला। अंकल क्या कह रहा था ये वाला, जा नहीं सकते अंदर, अच्छा पता नहीं मेरे को कुछ, ये बंद है उस तरह से तो ताला लगा था, इधर से भी बंद है, नीचे से तो ऐसे ही लग रहा है, देख ताला लगा है ना। Ну, можете заглянуть на минуту. На минуту, да. One minute. Okay. Quickly. Okay, okay, one minute only. हमको रूसी की बोलने की पड़ी होती है, अंग्रेजी बोलने की। One minute में बोल कैसे आ जाएगा और कैसे वापस आएगा? इसको पता है ना, हम इंडियन है, हमारा 1 minute 10 minute होता है। उसने बोला ही 1 minute। ताला लगा दिया आंटी। आंटी ने ताला लगा दिया। रुक रुक रुक। मैं तो हूँ भी निक्कर में यार। हाँ, रुक, अभी हमने एक गुंबद देखा था ना पुराना सा, कहाँ है ये रहा, अच्छा ओहो, एक बार जगह पे आ जाओ, पता नहीं अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, पता नहीं क्या है ये।
ये क्या है, चल एक बार देख। सीढ़ियाँ ये ले, पानी पी ले यार। किसने बोट रखी है अंदर? आजकल कोई छुपा के नहीं रहता ही ना कोई यहाँ पे। वाओ क्या नेचर, आगे भी जाना है? आगे तो कुछ नहीं है। हेलो, हटना ठीक है, खून गिर रहा हूँ। क्या खून कहाँ दिखा? ओ तेरी खून, चिड़िया वड़िया मरी होगी। आगे कुछ है नहीं पुनीत, कहाँ जाएगा? है क्या कुछ? वन मिनट क्विकली। कोई वन मिनट, क्या शौक चढ़ा है पुनीत हमारे को भी दूर दूर खंडरों में घुसने के। 1649 इसको हाथ लगा, इसमें वाला बन जाएगा। मतलब जब ताजमहल बना था तब ये भी बना था। हमारे ताजमहल को कैसे संभाल के रखा है, चमका के रखा है आगरा वालों ने। इस दिस मतलब तो तू करे से खो दे, आगे रास्ता नहीं रुके। आगे रास्ता नहीं है उसका ना, उस साइड से रास्ता है, इस तरफ जाएंगे हम। जैसे उसको अपना एक मिनट दिखाते हैं हम, इंडियन एक मिनट आज हम दिखाएंगे करके देखते हैं इसको। हाँ 10-20 बनाते हैं, रुक जाएगा इसका एक मिनट से। कहेगा एक मिनट क्या होता है मेरे को नहीं पता। अपनी जिंदगी से ना एक मिनट जो लाइन है ना वो हटा देगा। तो बोलेगा एक मिनट। आई कांटे है, रास्ता है कहीं से तो है। वो उधर क्या है वो देख, वही तो बोल रहा हूँ कहीं से तो है रास्ता। ये दीवार लग रहा है लाश है पड़ी है चर्च की ना, लंबी लंबी लाश। ये वो नहीं होता था जैसे किले होते थे लंबे लंबे, उस टाइप का बना हुआ है। लोगों को छोड़ भी नहीं रहे, हमें छोड़ दिया। हमारी तो बात अलग है ना वैसे। बस हो गया ये वाला ना। हाँ वो कह रहा आगे उसको, उस तरफ बाहर जाके। वाह अति सुंदर, अंदर यहाँ पे कुछ है। अच्छा चर्च आजकल यूज़ हो रहा है रचित? इंटरनेट पे लिखा था कि अबेंडेंट है, पर यूज़ कर रहे हैं आजकल। ओके तो कह रहे हैं कि आसपास और भी हैं बहुत सारे ना, तो चलते हैं दिखाते हैं। ये आंटी हमारा वेट कर रही है, पूछते हैं और यहाँ आसपास कहाँ है। स्पसिवा आ तो दाल से दाल शो मोड़ दाल दाल शो तो दाल स्पसिवा स्टोन में सुजान जो मिल गया, उनको छोड़ भी नहीं रहे वो ब्रेन है। अभी कैसे पैदल जाना है कि गाड़ी पे? गाड़ी पर चित पागल है हा? भगवान हमें गाड़ी कभी ना दिलाए, पैदल घूमने का जो मज़ा है ना। ये भी पता नहीं क्या पुराना से देख रहे हो। अभी अंकल ने बोला आए हो इतनी दूर तो आगे एक झरना है, मैंने पता नहीं वो देख लेना, कह रहे झरना है वो देख के जाना दर्शन करके, आपकी कह रहे किस्मत खुल जाएगी। Дойдете до водопада, но это не водопад, это плотина, да? Вот не это. Водопад? Нет, водопад это когда называется естественный. Водопад, да? А? Называется водопад. Ну это так, это просторечие, это плотина, гидроузел, так он называется. Mm-hmm. Потом пройдете гидроузел, ну, в смысле, пройдете мост, и пойдете, еще там домик такой будет. Там первая сельская электростанция. В этом году 100 лет. В 1920 году, 14 ноября открыта была. Спасибо. Вот. И пройдете туда, если там даже будет кто-то служитель, они вас даже туда могут пустить показать. Хорошо. Вот, подойдете туда. Понятно. Значит, вам лучше идти вот по дороге, по центральной. Хорошо. Пройдете усадьбу. А потом... тут есть что-нибудь? Дача, нет, здесь да, место парка. Ну, к озеру вы здесь выйдете, здесь так называемый пруд. Нет, выйдите так, а там еще спросите, там народу много. Хорошо. Всего спасибо. Доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Окей, там ты сидел от расты пиавы.
आंटी करिए वहाँ से जाना है थोड़ा सा, एक साइन दिखेगा लेफ्ट छोटा सा बस स्टॉप है, добрый день, подскажете, как нам туда попасть? Не попадете. Нет, да, нельзя. Куда? Можно только посмотреть, да, вот так. Вы тоже пытаетесь туда попасть? Мне просто смотрю. Спасибо. Водопад, да? На ГЭС. Пойдете? Да, да. Обязательно. Спасибо. Спасибо. Ехать чёрч. Abhi hum exact नहीं बता सकते, जो हमने अभी पहले देखा था वो अलग सब पुराना था या ये पुराना। घुसते हैं, ट्राई करते हैं। मेरे हिसाब से ऋषि ये वाला पुराना, ये सबसे पुराना लग रहा था, वो था ना, वो हो सकता है आसपास बने हो। अब एग्जैक्ट जो एक वो चर्च था ना, नहीं नहीं वही था, 400 वही था, वही था। पर ये भी आज का तो नहीं लग रहा, तो ये भी लिखा पड़ा है ना, ये रहा। देखो इनके अभी वो गुंबद होते हैं हमारे जैसे मंदिर गुरुद्वारे में होते हैं ना, ये देखो सेम। और ये यहाँ की माता जिनको ये मानते हैं, फोटो लगी हुई है अभी तक। बैक साइड पे चलते हैं, उसकी फोटो तो कुछ नहीं हुआ, मतलब मेरे वजह से बॉर्डर पिक्चर बन गया था, पूरी जंग और जल जाती है, मंदिर को कुछ नहीं आता। भगवान तो भगवान है यार, भगवान को कैसे कुछ पसंद है। जखोत नागरेजिनी जप्रशील मास अलाउड नहीं है, और कह रहे डेंजर है, मत जाओ, क्योंकि यार टूट फूट सकते हैं ना, इसलिए शायद इन्होंने देख रहे हो ये लकड़ियाँ वकड़ियाँ लगाई हैं कि कभी गिर विर ना आ जाए अगर कोई गलती से अंदर गया हो। अच्छा लग रहा है यार, अबेंडेंट चीज़ें देखने को जब मिलती हैं ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। हो सकता है पीछे कुछ मिल जाए रास्ता वास्ता, देखते हैं। सही में ये कितनी सब चीज़ें मिल रही हैं अबेंडेंट, पुरानी पुरानी। एक चीज़ होती है, चलो ठीक है पुरानी, हाँ वो दिख रही हो छोटी सी बिल्डिंग, इसके पीछे जाते हैं, करते हैं कुछ कलाकारी, कूद मार के अंदर चलते हैं। कुछ भी नहीं कर सकता, ये भी खतरनाक जगह पार ना निकल जाए, बोली कोई बात नहीं है। ओहो पीछे देख रहे थे, वो देख कितना बड़ा, चल चल चल, मैं चलते रहूँ, चलते हैं उसके अंदर अगर अलाउड पास ना, डेंजरस लिखा पड़ा था, डेंजरस है। एक ही तो जाना है, या तो अल्लाह लेगा या बिल्डिंग ले लेगी। नहीं ये बंद पड़े, ये किसी ने कुछ उगाया हुआ है, पक्की बात है, पता नहीं ये अपने आप हो गए हैं, कीचड़ में कोई उगाता है। देख ओ भाई साहब, देख देख जंगल जंगल, रहते हैं। मेरे को तो यार इतना मन कर रहा है रास्ता मिल जाए, इसमें घुस जाऊं, सही छोटा सा रास्ता है रचित, छोटा सा रास्ता है, छोटा सा रास्ता है, जा नहीं सकते, लेकिन मेन बात है ना चले भी जाए, लेकिन उन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है कि अलाउड नहीं है, मतलब सरकार की तरफ से अलाउड नहीं है। ये होता ना नॉर्मल घर है, किसी का कोई मतलब नहीं है तो ठीक है, बड़ा खतरनाक है भाई। नहीं तो मैं तो जाता था, नहीं उनकी तरफ से ऑर्डर है ना कि मत जाओ, वही तो फायदा नहीं है, सरकारी विरक्षण, सरकारी विरक्षण। अरे यार मेरा मन कर रहा है उसको से इसे हाथ लगा के आ जाऊं बस, एक ऐसे मेरा आत्मा मांगती है। बाहर निकला है वो पीछे वाला चर्च छोड़ दिया हमने,
अब हम वादापाद झरने की उस पे हैं रूट पे, और हमको दिख गई है छोटी सी एक और पुरानी सी बिल्डिंग। अंदर पेड़ देखे थे, अंदर ही पेड़ उग रखे हैं उसका, तो गुंबद पे उगे थे ये, तो अंदर से जड़ से निकल रखे हैं। कब बनाया होगा, किसने बनाया होगा, कौन रहता होगा जो छोड़ के चला गया, खिड़की के लिए कुछ बनाया और उसको बंद किया होगा, आवाज़ ज़्यादा आती होगी ना। हाँ, इसको लगता है कुछ लगा होता होगा जो टूट गया, पेड़ ने तोड़ा है, पेड़ बाहर निकला है चीर के।